हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको इस वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। अगर आप अपने लिए खुद का घर देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। ये है होम बाइंग टिप्स के ऊपर में मेरा सेकंड पार्ट वीडियो का। अगर आपको पहला पार्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक दे दिया है, पहले उस वीडियो को ज़रूर देख ले। वहाँ पर मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर किए थे आपके साथ में, लीगल पर्सपेक्टिव से, एक होम बायर के पर्सपेक्टिव से, साथ ही साथ में मैंने आपको वास्तु के पर्सपेक्टिव से भी कुछ इन्फॉर्मेशन दिए थे कि कैसी प्रॉपर्टी आपको खरीदनी चाहिए, किस एरिया में खरीदना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, अपने रिक्वायरमेंट्स को समझ के किस तरीके से आपको कोई भी फ्लैट या अपार्टमेंट बुक करना चाहिए, वो सारा ही इन्फॉर्मेशन वहां पे मैंने आपको दे दिया था। तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं फर्स्ट टाइम घर खरीदने के लिए तो वो वीडियो जरूर देख ले, ये उसी का सेकेंड पार्ट है। तो चलिए, अब जो नेक्स्ट मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ वो मैं दे रही हूँ फ्रॉम डिजाइन पर्सपेक्टिव। तो डिजाइन की पर्सपेक्टिव अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि आपके घर की सीलिंग की हाइट क्या है। हमें जो बिल्डर मॉडल फ्लैट दिखाता है उसमें एक ट्रिक ये रहती है कि हमेशा मॉडल फ्लैट का जो सीलिंग हाइट है वो काफी ज्यादा वो ऊपर कर देते हैं, फिर उसमें पीओपी बना देते हैं और हमें घर बहुत ही बड़ा दिखता है। पर जब वो एक्चुअल फ्लैट आप देखते हो तो सीलिंग की हाइट थोड़ी नीचे रहती है, और अगर आप उस पर पीओपी कर लेते हो आधे या एक इंच का तो घर की जो हाइट है वो और कम हो जाती है। सीलिंग की हाइट कम होगी तो ओवरऑल घर दिखने में काफी छोटा लगेगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि सीलिंग की हाइट क्या है वो वैसी होनी चाहिए जैसा मैक्सिमम चलता है, बिल्कुल भी कम हाइट की नहीं होनी चाहिए। आपको ये देखना है कि बिल्डर आपको यूपीवीसी वाले विंडोज दे रहा है या एल्यूमिनियम वाले दे रहा है। अगर आप एल्यूमिनियम वाले विंडोज का घर लेते हैं या फिर बैल्कनी वाला डोर लेते हो तो सनलाइट भी बहुत आती है, नॉइज भी बहुत आता है, घर थोड़ा सा गर्म हो जाता है। वहीं पर यूपीवीसी अगर वो दे रहा होता है अच्छी क्वालिटी का तो नॉइज कैंसिलेशन भी हो जाती है, वहां पर यूवी रेज जो घर में आ रहे होते हैं वो भी नहीं आती है तो घर ठंडा रहता है। तो ये भी आपको देखना बहुत जरूरी है। फिर आपको देखना है टाइल्स का कलर क्या है। आप हमेशा ट्राई करें कि जो भी घर आप बुक कर रहे हैं उसकी टाइल्स जो है वो थोड़ी रिफ्लेक्टिव सरफेस की है, वाइट में है या फिर अगर बेज में भी है थोड़ा सा वो शाइनी सरफेस है, क्योंकि अगर टाइल्स आपका काफी डार्क रहेगा, अंधेरा रहेगा तो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, वो घर उतना ही छोटा दिखेगा। तो घर अगर आप चाहते हैं ब्राइट दिखे, बड़ा दिखे, तो टाइल्स रिफ्लेक्टिव होनी चाहिए। टाइल्स का साइज भी मैटर करता है। अगर आपका बिल्डर आपको 2 फीट का दे रहा है विट्रीफाइड टाइल्स जो कि बहुत कॉमन है तो ठीक है, पर अगर आपको वो 2 से थोड़ा बड़ा दे रहा है, मतलब 800 mm का दे रहा है, तो ये घर बहुत ही अच्छा लगने वाला है। जितना बड़ा आपका विट्रीफाइड टाइल्स रहेगा आपका घर उतना ही बड़ा दिखने वाला है। उसके बाद उससे ये जरूर बात कर ले कि क्या वो एक कोट पेंट का इंटीरियर होने के बाद करने देने का परमिशन देता है। इससे फायदा ये होगा कि घर का इंटीरियर आपका जब हो चुका होगा, थोड़े बहुत जो उस पर डैमेज होंगे, बाद में अगर बिल्डर पेंट करता है तो वो डैमेजेस आपके रेक्टिफाई हो सकते हैं और आपका एक कोट पेंट होने का पैसा वहां पे बच जाएगा। और बात आपको बिल्डर से कर लेनी है या फिर वहां पे सिविल इंजीनियर से मिलकर कर लेनी है वो ये है कि क्या वो आपको एक्स्ट्रा स्विच पॉइंट्स लगाने का प्रोविजन दे रहा है या नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर आप पीओपी करते हो तो आपको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा लाइट पॉइंट्स चाहिए रहेगी। तो पहले ही अगर आप मॉडिफिकेशन में ये करवा लेते हो, बिल्डर अलाउ करता है, तो अपनी पसंद से आप पहले ही अगर स्विच बोर्ड्स एक्स्ट्रा करवा लो तो आपको पीओपी करने में दिक्कत नहीं आएगी, घर तोड़फोड़ नहीं होगा। तो ये बात आप सिविल इंजीनियर से पहले ही करवा सकते हो। एक और बात आपको ध्यान देना है कि अगर वहां पे इनबिल्ट पाइपलाइन नहीं करके दे रहा है बिल्डर तो क्या वो आपको किचन का पाइपलाइन को यूटिलिटी में ले जाने का परमिशन देता है। अगर वो परमिशन देता है तो आराम से आप ड्रिल करके एक पाइप बाहर की तरफ ले सकते हैं। तो सिलेंडर आप यूटिलिटी में रखेंगे तो किचन कैबिनेट्स में आपकी स्पेस जो है वो बच जाएगी और सिलेंडर बाहर रहने से घर में सेफ्टी भी रहती है। घर को डिजाइन करने से पहले अपने दिमाग में सबसे पहले सोच ले कि आपको कैसा घर चाहिए, आप किस थीम पे घर चाहते हैं। क्या आपको इंडियन थीम पे चाहिए, कॉन्टेम्प्रेरी चाहिए, मॉडर्न चाहिए, बोहो चाहिए, तो बहुत सारे ऑप्शन है, एक्लेक्टिक चाहिए, जो भी ऑप्शन आप चाहते हैं। गूगल में कई सारे इमेज देखिए, घर बुक करते ही खूब सारे इमेज देखना शुरू कर दीजिए, इंटीरियर के वीडियोस देखना शुरू कर दीजिए, पिनइंटरेस्ट भी आप देख सकते हैं, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कैसा इंटीरियर अच्छा लगता है। एक साथ करवाइए या फिर ग्रेजुअली करवाइए, पर अगर एक थीम पे आप करवाएंगे तो घर दिखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। घर को पर्सनल टच देने के लिए खूब सारे फोटो फ्रेम्स का यूज करिए, अच्छे अच्छे फैब्रिक का यूज करिए और घर को ऐसा बनाइए कि वो लॉन्ग टर्म में अच्छा लगे। ऐसा घर ना हो जहां पे एक साल तो रहने में अच्छा लग रहा है, इतने सारे कलर्स लगा दिए, फिर बोर हो गए और बाद में मन कर रहा है कि फिर से चेंज करा लूं। तो बार बार एक ही इंटीरियर में पैसा देने का कोई फायदा नहीं है। तो एक बार में ऐसा बनाइए जो आपको लॉन्ग लास्टिंग, आपको अच्छा लगता रहे और सूटेबल हो आपके लाइफस्टाइल।
चलिए आखिर में बात करते हैं फाइनेंस के बारे में। ये टॉपिक तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर भैया हमने फाइनेंस ही सही से प्लान नहीं किया है तो ये सारे सपने पूरे होंगे कैसे। तो करना क्या है, करना ये है कि अगर आप घर एक साल के बाद लेने का सोच रहे हैं या आज से सोच रहे हैं, सबसे पहले सेविंग्स करना शुरू कर दीजिए। अपनी सैलरी का 30% हिस्सा, कम से कम 30% हिस्सा आपको सेव कर लेना है। खर्चा बिल्कुल नहीं करना है, तभी आप डाउन पेमेंट दे पाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा किसी भी प्रॉपर्टी का 20% हिस्सा आपको कैश में, मतलब अपने अकाउंट से पे करना रहता है। बैंक आपको लोन जो है वो 80% पे ही देती है। साथ ही साथ में रजिस्ट्रेशन का पैसा भी आपको जमा करना रहता है, जो कि आराम से 1.5 से 3 लाख मिनिमम हो ही जाता है। इंटीरियर भी करने जाओगे आप तो 2 से 3 लाख रुपए तो मिनिमम लग ही जाते हैं। तो मतलब काफी पैसा आपको जमा करना है, तो आपको आज से शुरू करना पड़ेगा। इसके लिए करना क्या है, बेस्ट तरीका होगा कि एक ऐसा बैंक अकाउंट रख लीजिए अगर आपके पास एक्स्ट्रा है, तो उसी में 30% हिस्सा अपने सैलरी का पैसा आते ही डाल दिया करिए, जिसको फिर भूल जाना है, उसका कार्ड भी अपने साथ नहीं रखना है। तो एक अलग अकाउंट में अगर आप पैसे अपने होम के लिए जमा करना शुरू करेंगे, तो एट द एंड कुछ सालों में, 6 महीना 1 साल 2 साल में आपके पैसे इकट्ठा हो जाएंगे। 20% जमा करना सबसे ज्यादा जरूरी है, तभी आप प्रॉपर्टी बुक कर सकते हैं। तो सेविंग्स करना शुरू करें। अपार्टमेंट और जाते हो लोन के लिए, तो आपको ये ध्यान देना है कि जो भी बैंक से आप लोन ले रहे हैं वो आपको फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे दे रहा है लोन या फिर फिक्स पे दे रहा है। आपको फ्लोटिंग पे अगर दे रहा है वो, तो कितना फ्लक्चुएट होता है उसका इंटरेस्ट रेट, ये बैंक हिस्ट्री से आपको पता करना रहेगा। तो जो भी बड़े बड़े बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है, वहां पे चेक कर लीजिए कि क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, अभी क्या चलने वाला है। लोन आपको आपके नाम पे लेना है या अपनी वाइफ के नाम पे लेना है, अगर दोनों अर्न कर रहे हैं तो दोनों को इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, तो दोनों का नाम प्रॉपर्टी पे होना चाहिए। तो ये सब चीजें आपको गौर करनी पड़ेगी किसी भी प्रॉपर्टी के लोन के लिए अप्लाई करने से पहले। अगर आपको लगता है कि आप रजिस्ट्रेशन तक का तो पैसा जमा कर लेंगे, पर इंटीरियर का पैसा जमा करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, तो आप लोन लेते वक्त अपने बैंक से इंटीरियर के लिए सेपरेट लोन ले सकते हैं। जी हाँ, तो जो भी अमाउंट 80% आपने अपने घर के लोन के लिए लिया है, उसी में एक्स्ट्रा आप कुछ परसेंट अपने घर के इंटीरियर के लिए भी ले सकते हैं। तो जब भी लोन अप्लाई कर रहे हो, तो अपने एजेंट से इसके बारे में क्लेरिफिकेशन जरूर कर ले कि आप कैसे अवेल कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है, तो ये करके रखना बहुत सेफ रहेगा, ताकि आपको आपके सेविंग्स को ना लगाना पड़े, बल्कि पैसा आपके पास में कुछ बेसिक इंटीरियर करने के लिए रेडी हो जाए। जब आप घर प्लान करते हो, तो इंटीरियर के लिए सबसे ज्यादा पैसा आपको रखना है किचन के लिए। मॉड्यूलर किचन करवाते हो अगर आप, तो काफी ज्यादा पैसा वहां लगता है, क्योंकि वहां के सारे लैमिनेट्स भी अच्छे होने चाहिए, जो भी तरीके का आप यूज कर रहे हो वहां पे हिंजेस वगैरह, वो भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो इसीलिए आपको जरूरी है कि आप थोड़ा पैसा साइड रख दे, क्योंकि अगर क्या होगा, आप सस्ता खरीद लोगे, 2 साल 1 साल में खराब हो जाएगा, दीमक लग जाएगा, क्योंकि वहां पे पानी बहुत ज्यादा यूज होता है, हीट भी यूज होता है, फ्रीक्वेंटली हम उसे साफ कर रहे होते हैं। तो खराब और सस्ता वाला अगर आप प्लाईवुड ले लेते हो, हिंजेस ले लेते हो, बहुत सारे हार्डवेयर सस्ते ले लेते हो, तो वो तुरंत खराब हो जाएगा। तो इसलिए जितना भी इंटीरियर के लिए पैसा जमा कर रहे हो, उसका कम से कम 35% से 40% आपके किचन में लगने वाला है। तो इस बात के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहे। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही अच्छी टिप दूंगी कि जैसे आप घर बुक करते हो, पैसा जमा करना शुरू करते हो, वो करने के साथ साथ थोड़ी थोड़ी चीजें लेकर के रखना शुरू कर दो, मतलब एक्स्ट्रा सेविंग्स करना शुरू कर दो। 30% तो जमा कर ही दिया अपने घर के लिए, बाकी जो 70 है उसमें आप घर का रेंट भी दे रहे होगे, बैंक का ईएमआई भी दे रहे होगे, घर खर्च भी देख रहे होगे, बच्चों का स्कूल भी देख रहे होगे, फिर भी अगर पॉसिबल है थोड़ा भी पैसा बचता है तो थोड़ी सी कंजूसी कर लो रिक्रिएशन एक्टिविटीज में। उतना बाहर खाना मत खाने जाइए, उतना ज्यादा मूवीज मत जाइए, कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए थोड़ा कष्ट करके पैसा जमा कर लीजिए और थोड़ी थोड़ी चीजें घर के लेना शुरू कर दीजिए जो बहुत जरूरी है। जैसे आपको लगता है कि फैन तो लेना ही पड़ेगा, आपको 2 BHK है तो 2 फैन लगेगा, एक हॉल में लगेगा तो 3 हो गया, तो हर महीने एक एक फैन लेकर के रख लिया। हर महीने हमने छोटी छोटी चीजें लेकर के रखना शुरू कर देते हैं, तो एट द एंड जब समय आएगा इंटीरियर का, तो आपके पास ये चीजें अवेलेबल होंगी। आप गीजर लेकर के रख सकते हो, फैन लेकर के रख सकते हो, चिमनी लेकर के रख सकते हो। तो ये चीजें पहले से थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करिए, खरीद लीजिए, कुछ महीनों के लिए खुद की शॉपिंग को साइड कर दीजिए, बाहर वेकेशन जाना बंद कर दीजिए, और 1-1.5 साल की मेहनत से ही आपका ड्रीम होम बन करके तैयार हो जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होने वाली है। देखिए, लाइफ में कुछ भी पाने के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम सब कुछ भी करते रहे और हमारा घर भी तैयार हो जाए, नहीं होगा, राइट? वैसा अगर होता तो क्या बात होती। तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, सेविंग्स करना शुरू कर दीजिए, और जो जो पॉइंट्स के बारे में मैंने कहा है उस पर गौर कीजिए। इंटरनेट पे सारे इंफॉर्मेशन है, तो रीड करिए, अवेयर हो जाइए, क्वेश्चंस नोट डाउन करिए कि बिल्डर से क्या पूछना है, एजेंट से क्या पूछना है, बैंक वाले से क्या पूछना है, क्वेश्चन तैयार करिए, सारी बातें लिखिए, प्रिपेयर्ड होकर के जाइए, तो बिल्कुल आप बेवकूफ नहीं बनेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। वैसे भी रेरा के बाद काफी आसान होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया।
कोई भी क्वेश्चन हो आपका इस टॉपिक से रिलेटेड तो मुझे आप पूछ सकते हैं। कोई भी तरीके का चाहते हैं कि मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो आप मुझे बताइए। वास्तु के ऊपर में डिटेल्स में मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। आगे आपके लिए और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज में लाती रहूंगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली बार, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। हाँ, घर का सपना देखते रहिए, पूरा जरूर होगा। बाय बाय।